हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मसाले मैजिक। तो आज हो रही है मज़ेदार बारिश, और बारिश का मौसम और पकोड़े खाना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बिना पकोड़े क्या ही मजा बारिश का यार, सही बात है ना। ये तो बड़ी अच्छी बात कही है। से और टेस्टी से पनीर और प्याज के पकोड़े, रोज रोज वही आलू मिर्ची या इन सब के पकौड़े खाकर अगर बोर हो चुके हैं आप, तो इन पकौड़ों को जरूर से ट्राई कर सकते हैं। okay. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिए हैं 2 से 3 प्याज, मैंने उनको पतला पतला इस तरीके से कट कर लिया है, और साथ में ऐड कर देंगे ग्रीन चिलीज। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ग्रीन चिलीज इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया बेसन। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी बेसन लिया था, पर मैंने इसको यूज़ 3/4 ही किया था, तो आप 3/4 कटोरी बेसन ही इस्तेमाल करें। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये पकौड़े बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि सारी स्टफिंग आपके जो बैटर आप बनाएंगे उसी में हो जाएगी, आपको अलग से कुछ भी ऐड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी को अच्छे से मिलाकर मैं इसमें ऐड कर दूँगी फुल ऑफ स्पाइसेस, तो आप जितना चटपटा बनाना चाहते हैं उतना चटपटा इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक आपके स्वाद के अनुसार। उसके बाद मैंने थोड़ी सी अजवाइन ऐड कर दी है, ताकि पकौड़े ज़्यादा खाने के बाद गैस बिल्कुल भी ना बने। फिर थोड़ी सी काले मिर्च, चाट मसाला और काला नमक, और इन सभी को अच्छे से मिला लिया है मैंने। और बाद में मैंने फ्लेवर के लिए इसमें ऐड कर दी कसूरी मेथी, अगर आपके पास हरा धनिया हो तो वो भी फाइनली चॉप करके इसमें ऐड कर सकते हैं। तो पानी हम इसमें ऐड करेंगे, इस बैटर को हमें ज़्यादा लिक्विडी नहीं बनाना है, सेमी थिक ही रखना है, ताकि जो हमने अनियन और पनीर इसमें लिया है उसकी कोटिंग अच्छे से हो जाए। पानी आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड करें, ताकि जो कोटिंग है जो हमें पनीर के ऊपर चाहिए इस प्याज के और बेसन वाली, वो प्रॉपर आ सके। ज़्यादा पतला होगा तो आपका पनीर और प्याज दोनों अलग हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर मैंने पनीर ले लिया है, मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ में ही पनीर को चॉप किया। अगर आप चाहें तो इनको लंबा साइज़ में या मोटे साइज़ में भी रख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा मैरिनेशन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी काले मिर्च और चाट मसाला लगाकर पनीर को अच्छे से कोट कर लिया है, ताकि जो पनीर है वो अंदर से आपको फीका ना लगे, उसमें भी थोड़ा सा चटपटा सा टेस्ट आए। तो उसके बाद इन सभी पनीर को मैं अच्छे से कोट करके इसको ऐड कर दूँगी, जो हमने जो बेस बनाया था हमारे बेसन का और प्याज का, इस तरीके से। आप चाहें तो एक एक पनीर डाल के भी आप कोट करके आप इसको तल सकते हैं। मैं इनको एक साथ ही बना रही हूँ, ताकि एक साथ ही मैं सारे पकौड़े निकाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आज आपको चटपटी सी पकौड़े की रेसिपी? अगर अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। तो ये देखिए, इस तरीके से कोट करते हुए मैं सारे पकौड़ों को निकाल लूँगी। मैंने तेल पहले ही गर्म होने रख दिया था। अब यार, बारिश हो रही है तो किससे वेट हो इतना कि तेल गर्म हो फिर मैं पकौड़ों को निकालूँ। तो फटाफट से तेल गर्म कर लिया और पकौड़े निकाल लिए। तो आप भी जाइए किचन में, बनाइए चाय गर्मा गर्म और पकौड़ों का नाश्ता आज करके रहिए, क्योंकि पकौड़े बनने में भी बहुत टेस्टी है और टाइम तो बहुत ही ज़्यादा कम लगने वाला है। झटपट कुछ ही मिनटों में तैयार होने वाले हैं लजीज और टेस्टी पकौड़े। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुझे तो है ना, पर्सनली प्याज के या पनीर के यही पकौड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप लोगों को कौन से पकौड़े अच्छे लगते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि अगली बारिश आए तो उन पकौड़ों को ट्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? बिना लाइक करे, बिना डिसलाइक करे मैं आपको नहीं जाने दूंगी। तो प्लीज़ अपना रिव्यू, अपना कमेंट मुझे ज़रूर शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए किस टाइप में लेके आऊँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर से मिलेंगे, तो मैं तो चलती हूँ मेरे पकौड़ों को इन्जॉय करने की तरफ। तो आप भी बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, फिर से मिलेंगे, बाय बाय।